हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त की बात है जब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर तरावी पढ़ा रहे थे। तो आइए जानते हैं हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर की यह स्टोरी और एक अल्लाह वाले की यह स्टोरी। पर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल कलर का बटन दिया होता है उसको दबाकर, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस स्टोरी को। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर तरावी पढ़ा रहे थे। तरावी पढ़ाते पढ़ाते औरंगज़ेब आलमगीर को पीछे से लुकमा आया। पीछे से किसी ने टोक दिया। पहली मर्तबा लुकमा आया तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने लुकमा नहीं लिया। दूसरी मर्तबा लुकमा आया तब भी हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने लुकमा नहीं लिया। जब तीसरी मर्तबा लुकमा आया फिर भी हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने लुकमा नहीं लिया। और ऐसे करते करते पूरी नमाज पढ़ा दी। नमाज जब मुकम्मल हुई तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने उठकर मुसल्ले पर खड़े हो गए और कहा, कौन है वो गुस्ताख जिसने मुझको गलत लुकमा देने की जुर्रत की है। उस महफिल के अंदर एक फ़कीर बैठे हुए थे। वो एक पहुँची हुई हस्ती थी, अल्लाह वाले थे। वो फ़कीर खड़े हुए और कहने लगे, मैं ही वो गुस्ताख हूँ जिसने आपको लुकमा देने की ज़रूरत की है। वो फ़कीर जिसने हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर को लुकमा दिया था वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। वो उस वक्त के कुतुब हज़रत शाह मुहिबुल्ला अलाहाबादी हैं। यह बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, जिनको दुनिया मुहिबुल्ला अलाहाबादी के नाम से जानती है। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ठंडे हो गए क्योंकि आप उन्हें जानते थे। और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर बोले, हुजूर आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे गलत लुकमा देंगे। आपने गलत लुकमा क्यों दिया और क्यों लोगों के बीच में आपने खलल किया? हज़रत शाह मुहिबुल्ला अलाहाबादी ने फरमाया, ए औरंगज़ेब आलमगीर, मैंने तुझे गलत लुकमा नहीं दिया है बल्कि मैंने सही लुकमा दिया है। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, कुरान मंगाया जाए। और फिर कुरान शरीफ को लाया गया। इसी तरह सात कुरान शरीफ एक के बाद एक पूरे सात कुरान शरीफ मंगाए गए, जिसमें से चार कुरान शरीफ हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर की तरफ थे और तीन कुरान शरीफ हज़रत शाह मुहिबुल्ला अलाहाबादी की तरफ थे। तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर कहने लगे, चार मेरी तरफ हैं और तीन आपकी तरफ हैं, सही मैंने पढ़ा है। अब जब यह बात हो गई तो सारे लोग हज़रत शाह मुहिबुल्ला अलाहाबादी की तरफ सवाल उठाने लगे और कहने लगे कि इस फ़कीर ने वक्त के बादशाह को गलत लुकमा दे दिया। पर वो फ़कीर कोई मामूली हस्ती नहीं थे, वो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के वली थे। फिर हज़रत शाह मुहिबुल्ला अलाहाबादी ने आगे बढ़े और अपना अमामा शरीफ उतार कर हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के सर पर रखा। जब जैसे ही हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के सर पर हज़रत शाह मुहिबुल्ला अलाहाबादी का अमामा आया तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर कहने लगे, सरकार, हज़रत शाह मुहिबुल्ला अलाहाबादी, आप सही हैं और आप हक पर हैं, आपने मुझे सही लुकमा दिया। तो लोगों ने औरंगज़ेब आलमगीर से पूछा कि आप सिर्फ इमामत सर पर रखने की बुनियाद में कैसे कह सकते हैं कि यह सही है और आप गलत हो? हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर कहने लगे, जब हज़रत शाह मुहिबुल्ला अलाहाबादी का अमामा मेरे सर पर आया तो मैंने लोहे महफूज पर लिखा हुआ कुरान शरीफ देख लिया और मैंने वहाँ देख लिया कि जो हज़रत शाह मुहिबुल्ला अलाहाबादी कह रहे हैं वहीं वहाँ लोहे महफूज पर लिखा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और यह रियल स्टोरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लाल कलर का बटन होता है वो सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दें और फ्री में सब्सक्राइब करें। और हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर।